tocando sua xere. Cadu, 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 cadu. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी हैं हम नलतर सतरंगी लेक पे। तो यहाँ से प्लान है नलतर पास लगाने का। नलतर पास जो है यहाँ से मतलब हाइक शुरू होता है सतरंगी से। सतरंगी से हाइक शुरू होके पकोरा गज़र में एक गांव है, वहाँ पे हाइक ख़त्म होता है। यह है तकरीबन तीन से चार दिन का हाइक है, क्योंकि हम दोपहर को निकले थे गिलगित से। तो अभी यहाँ पे शाम हो गई है, 5:30 हो रहे हैं तकरीबन। तो अभी प्लान ये है कि 2-3 घंटे चल के हम रेस्ट करेंगे। तो जब तक शाम होती है हम चलेंगे, चल के फिर वहाँ पे हम कैंप करेंगे। तो लेट्स गो। आधे घंटे रेस्ट कर, आधे घंटे चलने के बाद दोबारा घंटा रेस्ट करते हुए लड़के, ये सब जो है अलीजेन की गलती है। इसको तो खैर कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो खैमत, आपको नलतर पास लगाते हुए कैसे लग रहा है? अभी तो कोई खास पता नहीं, आगे चलेंगे फिर पता चलेगा। रईस को क्या हो गया? रईस का थोड़ा गड़बड़ हो गया, पेट में थोड़ा मसला हो गया, तो हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आज उसके साथ। अभी फिर दोबारा स्टार्ट किए हाइकिंग, अभी चल रहे हैं। सबसे पहले मैं अकेला उठा था, फिर उसके बाद जो है बाकी ये मुझे अलीजैन नहीं, अलीजैन रईस को उठाया, रईस ने फिर हम सबको उठाया। उठे हैं तो इधर चाय कर रहे हैं, चाय पी के हम फिर उधर रवाना होंगे। भाई नहीं था, चाय भाई नहीं था, हमने पी के चाय पिया। और अच्छा, अभी टेंट क्लोज करना है, टेंट क्लोज करना। आप अपना टेंट नहीं, अंदर से सामान नहीं उठा रहे हो तो इधर जन भी आया। अभी जाएंगे, बस हमारे साथ रबते में रहेगा, अभी दिखाते हैं आप लोगों को किधर जाना है। नलतर पास आगे, नलतर पास क्रिक क्रिस करना आज। पहले तो शिमशाल किया हमने, ये हमारा दूसरा पास है। इंस्टाग्राम बायो पर हम लिखेंगे, इंशाल्लाह फेल नहीं हो जाएंगे, पास करेंगे, पास करेंगे इसको। नलतर पास, हाँ भी बेहद है बा। दूसरे दिन का हाइक हमारा स्टार्ट हो गया। आज हमारा प्लान है अपर शनि जाके स्टे करने का। तो आज पूरे दिन चलेंगे, जाके शाम तक आज हम चलने। धूप है अच्छी खासी धूप, लेकिन इतनी सख्त नहीं है, बस ठीक है। गर्मी भी इतनी फ़िलहाल तो नहीं है, फ़िलहाल सुबह का टाइम है, गर्मी भी नहीं है। कल रात को हमारा इतना आगे तक आने का प्लान नहीं था, पीछे कोई हमें स्टे करने के लिए अच्छी खासी कुछ खास जगह नहीं मिली।
कोई बंदे मिले थे इधर लोकल थे, नलतर के कोई बंदे थे, वो लोग भी घूमने आए थे यहाँ पे छुट्टियों पे, तो उन्होंने उनके साथ हम इधर आए थे आगे तक। तो 8:30 हो गए थे शाम को, तो कोई वीडियोज़ हमने नहीं करी, शाम हो गई थी। तो जगह खैर प्यारी है अभी तक, जगह खैर अच्छी खासी है। थोड़े टाइम बाद आगे जाकर ऊपर ग्लेशियर स्टार्ट होगा, छोटा सा ग्लेशियर है, ग्लेशियर के साथ साथ चलते हुए जाना है हमने ऊपर जाके। आज फिर अपर शनि, फिर आगे के हफ्ते आपको बताते हैं। बॉयज इन अपर शनि डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है। शनि पीक और शनि ग्लेशियर बेस, और ये ग्लेशियर जाके, ठीक है, ये इस ग्लेशियर से जाके हमने क्रॉस करना है, इस साइड पर जाके हमने पास लगाने। लेकिन आज प्लान है यहाँ पे बेस कैंप जाके आगे कैंप लगाने का। इधर से ऊपर 4 घंटा और सफर है, तो उधर जाएंगे सुबह सुबह तकरीबन 5 या 6 बजे तक हम नलतर पास करेंगे, फिर घूमन जाएंगे, फिर बाहर जंगल का चक्कर लगाएंगे, फिर घर जाएंगे। आधा घंटा चलने के बाद तो अचानक ये झील, तो बस लड़के 2 तैयार हैं तैरने के लिए, तो बस ये अपनी तैयारियां कंप्लीट कर रहे हैं। तो इधर आप देख सकें एक तिली पहलवान मेरे साथ मौजूद है, तिली पहलवान, तो यू कैन सी अभी ये कुछ लड़के अभी पीछे आ रहे हैं, ये हर जगह में ये आखिरी में होते हैं। तो बस लड़का हमारा जो है तैयार है लाइव खाने के लिए। बोले ये ईशान दूर से शर्ट निकाल के आते हुए 1, 2, 3 के साथ लड़का वो लेक टाइप कोई जगह है, लेक ही थी छोटी सी, वहाँ पे स्विमिंग की हमने। यही ऐसी नई चीज़ों का मज़ा आता है, एक के दौरान थोड़ी कोई एक्टिविटी होती है, वैसे आज ज़्यादा हमने चलना नहीं है, ऐसा ऐसे चल रहे। ये खूबसूरत जगह हमें दिखी थी, पीछे सीनरीज प्यारी हैं। तो यहाँ पे कोई काफ़ी टाइम हम बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम हम बैठ के पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, अभी स्विमिंग की, आधा घंटे इधर गुजारा, और सीन्स पीछे बहुत खूबसूरत सीन्स है। ये शनि पीक, अपर शनि नाम इस जगह का, आगे जाके बेस कैंप आता है। तो नीचे जो जगह थी वो लोअर शनि, तो यहाँ पे फिर एंजॉय करना चाहिए।
तैरने के तकरीबन डेढ़ घंटे बाद अभी हम रुके हैं यहाँ पे कोई खाना शाना बनाने ना, तो ये लंगर कमेटी लगी हुई है वहाँ पे। बाकी ये बातें वाले जो बंदे हैं वो सब इधर ऐसे ही, ये अलीजान काम कुछ नहीं करता, बस खाली बातें हैं। ये ज़ीशान, अभी मैं आपको लंगर कमेटी का जो है शेयर कर पाता हूँ। मेन्यू में क्या है दिखाओ दिखाओ, सही तरह पका नहीं है। वाई 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 वाई। तक पकेगा बस मजीद सर कोई 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम आपके लिए प्रॉपर इंतजाम करेंगे, नेट शेट खार करेंगे, उसके बाद दस्तान लगाएंगे। ये है ना, ये लकड़ी से दस्तान बनाएंगे किचन टीम के साथ, किचन टीम पानी के नीचे सारे खाना बना रहे थे, तो मैंने बोला जब तक बनता है खाना तब तक कहीं जाकर आते हैं, तो इसलिए मैं जहाँ हम लोग खाना पका रहे हैं उसी के साथ ही एक जगह थी ऊपर, ऊपर से जिधर नीचे वाला ग्लेशियर वो भी दिखता है और जो दूसरी साइड है वो भी दिखती है। तो सीन चेक करें आप लोग बस। आगे का प्लान हमारा यही है कि ये सामने एक पहाड़ है छोटा सा, तो उधर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके कोई जगह ढूंढेंगे स्टे की, कैंप लगाने की, और जिधर पानी हो उधर जाके आज स्टे हमारा, फिर कल सुबह निकलेंगे जी पास। ये मेरे दो छोटे छोटे दोस्त, इधर हमारे पास घोड़ों के साथ कुछ गधे भी हैं जिनको जो बोलो वो कर लेते हैं। खाना तैयार हो गया, किस बला का नाम है पास गया अंदर तो खाना वगैरह हमने खाए, तकरीबन कोई 3 घंटे हमें तो रुके, रेस्ट किया आराम से, रेस्ट करने के बाद अभी हम निकल रहे हैं आगे। अभी सीन ये है कि ये पीछे ये इसके ऊपर चढ़ने, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने, इसके बाद एक और पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ने, वहाँ पे बेस कैंप है, बेस कैंप में आज स्टे करेंगे। तो आगे रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, 3 घंटे 4 घंटे खैर नहीं हाइक है, धूप भी नहीं है फिलहाल, बस धूप भी चली गई, आखिरी आखिरी धूप है, तो पानी क्रॉस कर रहे हैं सर अभी। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे बेस कैंप के पास, यहाँ पे जगह वगैरह ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसके बाद टेंट वगैरह लगाएंगे, खाने का बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हैं हम लोग। उसके बाद कल हमारा होगा थर्सडे आगे जाके पकोरा, फिर उसके लिए हमने करना है पकोरा ग्लेशियर पार, तो उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करना है। अभी खाना वगैरह खाएँगे उसके बाद रेस्ट ही करेंगे कल सुबह के लिए, क्योंकि कल सुबह हमने निकलना है यहाँ से।
देख सकते हैं आधे घंटे चलने के बाद हालत फिर से ख़राब, ये रईस तबीयत ख़राब, बाकी सब बदजैन वगैरह जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं पास की तरफ निकलें। मुश्किल तो लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा ऊपर, आप दिखा रहे हैं ऊपर देखें, ये हम सैर कर रहे हैं। अब ये छोटी सी चढ़ाई हम चढ़िए, ये नीचे नीचे से सिर्फ ऊपर आए और ये ऊपर इस साइड पर जाना है, साइड से थोड़ा सा शायद लेफ्ट होना है, लेफ्ट हो के फिर काफ़ी रास्ता है अभी पास के लिए। क्या सीन, शायद पहुंच गए पास पे, सामने ग्लेशियर है, मैं पानी लाने जा रहा हूँ अभी आगे, क्योंकि पानी नहीं है, ग्लेशियर है तो पानी वगैरह पीते हैं पास दो सौ बोरा ग्लेशियर। ओके तो वी हेयर एट द नल्थर पास, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है कि सिर्फ एक घंटे में, जहाँ से हमने आज स्टे किया था बर्फ़ नहीं था उस साइड पे, दूसरी साइड पे बर्फ़ नहीं था तो इसीलिए हम बहुत जल्दी आए, तो इस साइड पे अब थोड़ा सा बर्फ़ है तो सर मज़ा आएगा नीचे जाते हुए। पोटर और गाइड के बगैर हम पहुँच गए नल्तर पास दूसरे दिन में, टेक्निकली दूसरे, क्योंकि पहले दिन हम दो तीन घंटे चल के हमने रेस्ट किया था, स्टे किया था रात को, और दूसरे दिन भी बीच में एक लेक आया था वहाँ पर हमने स्विमिंग की, फिर खाने के लिए कोई तीन घंटे रुके, ऐसे कुछ चार पाँच घंटे हमने सिर्फ रेस्ट में गुजारे। फिर भी दूसरे दिन सुबह के तकरीबन 11:30 हो रहे हम इधर पहुँच गए, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि आप अपनी वीडियोज़ में रास्ता क्यों नहीं एक्सप्लेन करते। यार देखो, रास्ता एक्सप्लेन करना, रास्ता हम आपको नहीं बता सकते, जब अगर आप रास्ता में आपको नहीं आता तो आप आपके साथ गाइड लेके जाएं, लेकिन गाइड के बगैर पॉसिबल हैं ये चीज़ें, इंटरनेट पे मिलती है इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो देख के आना पड़ता है। थोड़ी सी वीडियोस थी पहले यूट्यूब पे, वो हमने देखी है, और ब्लॉग्स थी वो हमने पढ़ी हैं, और सिर्फ गूगल मैप्स को देखते हुए हम यहाँ पर पहुँचे। जितने भी लोग नीचे थे वो हमें बता रहे थे कि आप गाइड के पर ना जाएं ऊपर, लेकिन गाइड के पर हम आ गए हैं, तो दिस इज़ इट, दिस इज़ नल्तर पास। पास से हम उतर गए नीचे, ये पीछे जो पहाड़ी दिख रही है साइड से, क्योंकि ऊपर बर्फ थी ज़्यादा, हमें लगा नीचे तक वहीं बर्फ़ होगी, तो ग्लेशियर के ऊपर बर्फ़ थी, इसी वजह से हम साइड से आए थे, तो साइड से थोड़ा सा रास्ता मुश्किल था, वीडियो से भी नहीं निकाल सके, तो अब वापस ग्लेशियर पे आ गए, वापस ग्लेशियर से आके लड़के सारे आगे चले गए, आगे जाके फिर पत्थर थोड़े से हैं साइड पर, ग्लेशियर के साइड पर जो पत्थर होते हैं उन पर निकल लें, ग्लेशियर खैर इतना मुश्किल नहीं है, ऊपर हमें मुश्किल लगा था कि उसकी भी ज़्यादा था, तो हम साइड से आए थे रास्ता ढूंढ के। तो जी अलीजान शफी, मैंने इधर सब को इधर से नीचे उतारा है, तो ये सब डरे हुए थे तो फुल कॉन्फिडेंस में रियान आया था, हिमालयन कैमल गया आगे सभी। Thank you.
तीसरे दिन का हाइक शुरू हो गया है। कल रात को हम काफ़ी लेट बैठे थे, 3 बजे तक रात को बैठे। उसके बाद सुबह आराम से उठ के 10 बजे उठ के नाश्ता वगैरह करके सामान पैक करके निकलने तक 12 हो गए थे। तो अभी सीन ये है कि जिस रास्ते से हम कल आ रहे थे शाम को, वो रास्ता रिसेंट फ्लडिंग की वजह से, पिछले 2 हफ्ते पहले फ्लडिंग हुई थी उसकी वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया था। तो हम नीचे दरिया के पास आ गए थे, तो पीछे रास्ता सही नहीं था। जैसे जैसे चलते आगे कोई 10-15 मिनट हम चलें तो रास्ता ठीक आ गया। आधी टीम जो है ज़ीशान शेरपा की क़यादत में वापस ऊपर चढ़ गई थी, तो उनसे अभी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी कोई फिर से कोई ख़राब रास्ते पे पहुंच गए वो लोग, तो फिर वो पीछे फंसे हुए। हम लोग आगे निकल गए, हम उनसे काफ़ी पीछे थे, हम लोग आगे निकल गए आधी टीम रियान बेग की क़यादत में। बड़ी मुश्किलों बाद पहुंच गए हैं सर, यहाँ पे खाना वगैरह खाने रुके, तो अभी इसके बाद आगे पता चलेगा क्या। तो अभी यहाँ खाना शाना खा के फिर तकरीबन आधे घंटे में फिर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये व्लॉग हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय।